हेलो दोस्तों, बंटी द मिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत में राजाओं के ऐसे कई किले हैं जो अपने आप में एक अनूठी कहानी समेटे हुए हैं। ये किले भारत की शान तो कहे ही जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ की कुछ ऐसी रहस्यमय बातें भी हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसा ही किला मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे एक बेहद ही हैरान करने वाली ऐतिहासिक कहानी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे YouTube चैनल बंटी द मिस्ट्री में नए हैं तो ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यमय जगहों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल बंटी द मिस्ट्री को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके आसानी से। दोस्तों, आज मैं जिस किले के बारे में बता रहा हूँ उस किले का नाम है रायसेन फोर्ट, रायसेन का किला। सन 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है जो कई शताब्दियों बीत जाने के बाद भी शान से उसी तरह खड़ा है जैसा पहले था। बलुआ पत्थर से बने इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवार हैं। इन दीवारों के 9 द्वार और 13 बुर्ज हैं। इस किले का शानदार इतिहास रहा है। यहाँ कई राजाओं ने शासन किया है, जिनमें से एक शेरशाह सूरी भी था। हालांकि यह किला जीतने में उसके पसीने छूट गए थे। तारीखें शेरशाह सूरी के मुताबिक 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी वो यह किला नहीं जीत पाया था। कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपें बनवाई थी, जिसकी बदौलत ही उसे जीत नसीब हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में इसे जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया था। उस समय इस किले पर राजा पूरन मल का शासन था। उन्होंने जैसे ही ये पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने दुश्मन से अपनी पत्नी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है। कहते हैं कि यहाँ राजा रायसेन के पास एक पारस पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना देता था। इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे, लेकिन जब राजा रायसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया। कहते हैं कि कई राजाओं ने इस किले को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आज भी लोग यहाँ रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इसको लेकर ये कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पत्थर को ढूंढने आने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न करता है। हालांकि पुरातत्व विभाग को अब तक कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है या नहीं, लेकिन कहीं सुनी कहानियों की वजह से लोग चोरी छिपे पारस पत्थर की तलाश में यहाँ पहुँचते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमय रायसेन किले और पारस पत्थर की जानकारी। तो यह वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।